Imagine there's a leaky bucket. No matter how much you try to fill it with water, it's losing all the water because of the holes at the bottom. So, this is like losing the customers. Now, if you can spot these holes early, you can plug them up, right? So, this is retaining your customers.

बेसिकली ये जो स्कोर है वो आपको बताएगा कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके प्रोडक्ट से कितने सैटिस्फाइड हैं या जो भी लीड्स आपके प्रोडक्ट से इंटरेक्ट कर रही है किसी भी टच पॉइंट पे वो आपके प्रोडक्ट से या आपके सर्विस से कितनी सैटिस्फाइड है तो ये कस्टमर हेल्थ स्कोर कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है और अगर मैं आपको बताऊं तो मैं ना बहुत ही नॉन टेकी पर्सन हूं मुझे ये चीज़ें कॉम्प्लिकेट करके समझ नहीं आती हैं बट एट दी सेम टाइम मुझको सीखने की भी क्यूरियोसिटी रहती है कि इसे हम कैसे कर सकते हैं और ज़रूरी भी है जो कि हम डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हैं और आपको पता है सारे डिसीजनस अब डेटा ड्रिवन होते हैं तो हमारे लिए भी ज़रूरी है ये टर्म समझनी और हम इसको चाहे ही हम हंड्रेड इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो बट फिफ्टी परसेंट हम इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रोसेस में अब आपको बहुत मजा आएगा ये चीज़ें सीखने में और अगर आप भी मेरी तरह एक नॉन टेक्निकल पर्सन है बट आपको भी सीखनी है हर चीज़ तो मेरे साथ बने रहो इस जर्नी में बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करती रहूँगी तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब आप ये कस्टमर हेल्थ स्कोर कैलकुलेट करते हो ना बड़ी कंपनीज जो होती हैं उनके पास अपना ऑलरेडी एक सी सॉफ्टवेयर होता है जो कस्टमर हेल्थ स्कोर कैलकुलेट करके उन्हें दे देता है ठीक है अब अगर आप स्मॉल स्केल पे स्टार्ट कर रहे हो या फिर अगर आप एक वन पर्सन बिजनेस हो मेरी तरह तो आप कैसे कर सकते हो मैं यूज करती हूँ गूगल शीट्स अपने मोस्ट ऑफ द डेटा ड्रिवन टास्क के लिए ठीक है मैं कोई टूल नहीं यूज़ करती हूँ आई लाइक टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल सी अगर आप सेल्स में हैं और आप कस्टमर हेल्थ स्कोर निकाल रहे हैं तो आप पर्टिकुलर कस्टमर को स्कोर दे सकते हो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे मेट्रिक्स होते हैं अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हो तो आपके लिए एक पर्टिकुलर मेट्रिक इंपॉर्टेंट होगा किसी दूसरी कंपनी के लिए दूसरा मेट्रिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो आप लिख लो कि चार से पाँच कौन से ऐसे मेट्रिक्स हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैं भी अभी एग्जाम्पल दूंगी जैसे मैं फॉर uh, एग्जाम्पल कोई कोर्स क्रिएट कर रही हूँ तो उसका मैं आ, आगे एग्जाम्पल दूंगी कि मैं कैसे करती हूँ उसको ईजी वे में ठीक है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सामने तो यहाँ पे आपको कुछ ये टर्म्स दिख रही होंगी परचेज एवरेज ऑर्डर वैल्यू रिव्यूज कम्युनिटी एंगेजमेंट ठीक है तो ये एक कस्टमर है हमारा कस्टमर वन अब देखो आप अगर ये परचेस कर रहे हैं एक ही बार इन्होंने परचेस किया तो इनको पाँच पॉइंट मिलेंगे अगर दो बार परचेस करते हैं तो दस पॉइंट तो मतलब एक परचेज के इनको पाँच पॉइंट मिलेंगे तो दस परचेज के इनको टेन इंटू आप फाइव कर दो तो फिफ्टी पॉइंट्स मिलेंगे ऐसे ही उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू आप निकाल सकते हो अगर उनका एवरेज वैल्यू जो है वो ओवर फाइव है तो उनको टेन पॉइंट्स मिलेंगे ऐसे ऐसे पॉइंट्स कैलकुलेट होते रहते हैं हर कस्टमर को हम एक वेटेड स्कोर देंगे अब इन सब चीज़ों जैसे अब रिव्यूज़ हो गया तो अगर ये जीरो रिव्यू दे रहे हैं तो एक पॉइंट मिलेगा तीन रिव्यूज़ अगर ये हमारे कंपनी को दे रहे हैं तो दस पॉइंट कम्युनिटी एंगेजमेंट ऐसे ऐसे मेट्रिक्स होते हैं जो आपको कैलकुलेट करने हैं फिर हम लास्ट में लिखेंगे कि कस्टमर वन ने परचेज इतने किया इनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू इतना है रिव्यूज़ इतने हैं कम्युनिटी एंगेजमेंट इनका इतना है और हम इनका फिर स्कोर कैलकुलेट करके एक स्कोर निकाल लेंगे तो ये जो स्कोर हमारा हो गया वो हो गया सेवन 0.5 ठीक है आपको समझ में आया कि कस्टमर हेल्थ स्कोर निकालने का ये जो वेटेड स्कोर हमने दिया है इसका निकालने का पर्पस क्या है बेसिकली हमें पता चलेगा कौन से कस्टमर्स को लो स्कोर मिल रहा है मतलब कौन से कस्टमर्स लो स्कोर कर रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं और हम ऐसी क्या स्ट्रेटीज लगा सकते हैं कि हम उनका स्कोर बढ़ा दें और उनका जो इंटरेक्शन है हमारे ब्रांड के साथ वो बढ़ा दें राइट right? आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ अपने कोर्स के लिए और आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा इस चीज़ से तो सबसे पहले जो होता है जैसे मेरे को अगर कैलकुलेट करना है कि जो मेरे सर्विस में या मेरे कोर्स में इंटरेस्टेड हैं उन्होंने मुझसे अभी परचेज़ नहीं किया है ठीक है वो अभी उस फनल में है वो अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं वो अभी उन टच पॉइंट्स पर हैं अभी वो पहुँचे नहीं हैं परचेज की तरफ ठीक है तो सबसे पहले आता है ई एंगेजमेंट मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जैसे मैंने बोला कि आपके डिपेंड करता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स कौन से हैं आपके बिज़नेस के ऊपर आप क्या काम कर रहे हो ठीक है मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि मेरे जो इंटरेस्टेड ऑडियंस है वो मेरे ईमेल के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं कितनी बार मेरे ईमेल्स खोल रहे हैं ठीक है लीड मैग्नेट वो डाउनलोड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया मेरे सोशल मीडिया पे वो इंगेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मेरी वेबसाइट पे कितने विजिट्स आ रहे हैं तो ये चार चीज़ें मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी हैं तो ऐसे मैं इनको स्कोर दे दूंगी तो ई मेरे लिए फोर्टी परसेंट इंपॉर्टेंट है लीड मैगनेट डाउनलोड करा या नहीं करा मेरे लिए थर्टी परसेंट इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया मेरे लिए ट्वेंटी और वेबसाइट विजिट्स मेरे लिए टेन परसेंट है और यहाँ पर मैंने स्कोर्स भी दे दिए कि जिसने खोला मेल को खोला और क्लिक भी किया पाँच स्कोर मिलेगा उसको जिसने सिर्फ ओकेजनली खोला है उसको तीन मिलेगा जिसको जिसने रेयरली या कभी खोला ही नहीं है तो उसको एक स्कोर मिलेगा तो ऐसे मैं स्कोर्स कैलकुलेट करके अपना एक कस्टमर का स्कोर निकाल लूँगी फोर पॉइंट वन आउट ऑफ फाइव आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से समझ सकते हो जस्ट टेक आ नोटबुक एंड राइट डाउन योर की मेट्रिक्स नहीं है तो फिर चार जी पी टी से पूछ लो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स हैं आपकी फील्ड में वो आपको बता देगा और आप फिर जो भी आप आपके सर्विस uh, के साथ इंटरैक्शन होती रहेंगी वो आप लिखते रहोगे और ये सब आप कहां करने वाले हो या तो आप एक्सेल में करो या फिर आप गूगल शीट्स यूज करो इसके लिए ठीक है मैं तो गूगल शीट्स यूज करती हूँ बिकॉज मेरे को बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट चाहिए तो मैं कॉलम बना लूंगी ई का लीड का सोशल का वेबसाइट का और रो मैं करती जाऊंगी कस्टमर्स उसमें डालती जाऊंगी कि यू नो नेम वगैरह दे के जो तो भी uh, मेरे फाइनल में आते रहेंगे उनके नेम से मैं उनको मेंशन करके उनको स्कोर दूंगी और एट द एंड मैं वो स्कोर कैलकुलेट करूंगी और जो लीस्ट एंगेज है मेरी सर्विस के साथ फिर उनके लिए मैं जो है कैंपेन प्लान करूंगी या फिर कोई और स्ट्रेटजीज उनके लिए प्लान करूंगी कस्टमर हेल्थ स्कोर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इस पर काफी टाइम लगाया तो इसको आपको समझना काफी जरूरी है अगर आपको कोई भी डाउट हो रहे हैं प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना आई रिस्पॉन्ड टू दैट चलो अब सेकेंड स्ट्रेटी के बारे में बात करते हैं दैट इज कंडक्ट रिटेंशन इंटरव्यूज आप इंटरव्यूज लीजिए अपने कस्टमर्स के वो आप फ़ोन इंटरव्यूज कर सकते हो आप ई मेल इंटरव्यूज कर सकते हो आप सर्वे कर सकते हो राइट right? मैंने आपको काफ़ी बार इस प्लेटफॉर्म पे बताया है कि सर्वे फॉर्म्स कितना जरूरी है तो सिंपल से सिंपल है आप गूगल फॉर्म बना लीजिए और वो सर्वे करिए उससे आप सर्वे करिए अपना तो आप कस्टमर से पता क्या पूछेंगे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप उन्होंने सब्सक्राइब किया और आपको कैंसिल कर दिया वो सब्सक्रिप्शन ईमेल सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिया या फिर परचेज या फिर मेंबरशिप कुछ भी वो आपका सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर रहे हैं तो आप उनसे रीजन पूछ सकते हो ये बहुत जरूरी है तो आप रिटेंशन इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हो ठीक है तो ये इंटरव्यू के लिए आपको सीरीज ऑफ क्वेश्चन बनाने होंगे सेट ऑफ क्वेश्चन बनाने होंगे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप नीचे देख सकते हो हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद द विदेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑनलाइन कोर्सेज यू हैव टेकन विद अस मैं कोर्सेज बनाती तो मेरे ये हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फूड uh, बिजनेस में हैं और आपका क्लाउड किचन है तो आप आपके जो सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो डिफरेंट होंगे अगर आपको नहीं समझ में आता आप चार्टीपीटी पे जाओ टाइम ही नहीं लगेगा लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या करना है आपको काम करने के लिए ना सब कुछ सब टूल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन लेकिन पता तो वो करना क्या है दैट इज वाई आई एम हियर फॉर और मैं आपको बताती रहूंगी कि आपको क्या करना है ठीक है सेकेंड जो स्ट्रैटेजी है वो है ट्रबल शूट आपने जो सर्वे किया उसमें क्वेश्चंस करवाए जो आपको रिस्पॉन्स आए अब वो देखो क्या क्या रिस्पॉन्स आपके आ रहे हैं और उन इश्यूज़ को आप ट्रबल शूट करो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे परचेज कर रहा है तो उनको प्रॉब्लम आ रही है कि यार टाइम पे प्रोडक्ट नहीं पहुंच रहे हैं उनके पास या फिर वो कोर्स कर रहे हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है नेविगेशन में उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्या उनकी प्रॉब्लम क्या है वो खुश क्यों नहीं है तो उनको आपको इशूज़ को भी एक लिस्ट में डालना है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं ताकि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को और रिफाइन कर सकें थर्ड हम करेंगे क्रिएट रिटेंशन ऑफर्स कोई भी अगर हम प्रोडक्ट और सर्विस बेचते हैं तो एक ऑफ़र क्रिएट करते हैं ना इधर भी हम रिटेंशन ऑफर्स क्रिएट करेंगे जैसे अगर मुझे कस्टमर्स को जो मेरे ऑलरेडी कस्टमर्स हैं जो मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं जो कोर्स बाय कर चुके हैं मैं चाहती हूँ कि वो बार बार मुझसे बाय करें तो मैं उनके लिए नेक्स्ट कोर्स के लिए मैं उन्हें थोड़ा डिस्काउंट दूंगी या फिर मैं उनको पर्सनलाइज कोचिंग दूंगी वन ऑन वन मुझे पता है ये मेरे लॉयल स्टूडेंट्स हैं तो मैं इनको वो तरीके से ऑफ़र ऐसा क्रिएट करूँगी सो दैट मैं उनको सस्टेन कर पाऊँ आपको पता है ना सस्टेन करना इजी है रात दिन जो कॉस्ट लगती है एक नए कस्टमर को एक्वायर करने में तो रिटेंशन ऑफर्स आप अपनी स्ट्रेटजी में ज़रूर क्रिएट करेंगे उसके बाद आता है रिटेंशन कैंपेन्स मैं रिटेंशन कैंपेन्स भी क्रिएट कर सकती हूँ ठीक है एड कैंपेन्स आप क्रिएट करते हैं तो रिटेंशन कैंपेन्स बेसिकली वही होते हैं तो मेरे को क्या करना होगा उसके अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे डिस्काउंट ऑफर्स देने हैं मेरे ऑलरेडी ऐसे व्यूअर्स को जो मेरी वेबसाइट विजिट करते रहते हैं तो स्पेसिफिकली मैं उन्हीं के लिए कैंपेन चलाऊंगी तो वो ऐसे उस तरीके के रिटेंशन कैंपेन्स मैं करूंगी नेक्स्ट स्ट्राटेजी सिंप्लीफाई परचेज वर्क अगर मैं कोर्स बेच रही हूँ तो मैं चाहूंगी कि मेरा जो कस्टमर है मेरा जो व्यूवर है मेरी जो ऑडियंस है मेरा जो स्टूडेंट है वो जल्दी से जल्दी मेरे कोर्स को बाय कर लें और उनको कोई प्रॉब्लम ना है तो इसके लिए मैं एक वन प्रोडक्ट पेज ही बनाऊंगी मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर, करूंगी उस प्रोसेस को मैं जो है पेमेंट सिस्टम जो है वो तीन चार पेमेंट ऑप्शंस मैं उनको दूंगी ताकि वहां पर वो यू नो स्टक नहीं हो जाए तो जितना ईजी हो सके मैं उनको जो चेकआउट प्रोसेस है जो चेकआउट प्रोसेस होगा उसको इजी करने की कोशिश करूँगी तो आप मेक श्योर करिए जो भी आपका बिज़नेस है आप अपना जो परचेज़ का वर्क फ्लो है वो बहुत सिंपल रखें ताकि आपको सेल्स जल्दी मिले नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी है उसमें हम करेंगे रीडिफाइन मैसेजेस को बहुत बार ऐसा होगा कि आप कैंपेन रन कर रहे हो तो आपको ए बी टेस्टिंग करनी पड़ेगी हेडलाइंस के साथ आप ए बी टेस्टिंग करेंगे इमेज के साथ मीडिया जो भी आप वीडियो यूज़ कर रहे हो तो अगर वो काम नहीं कर रहा है तो कैरसल तो ए बी टेस्टिंग आप करते रहोगे इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है कॉपी राइटर्स का तो अगर आपका मैसेज उतना इम्पैक्ट नहीं दे रहा है तो आप दूसरा मैसेज क्रिएट करेंगे फिर उसके साथ आप ए बी टेस्टिंग करेंगे तो रिटेंशन में आपको ए बी टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है कूल लास्ट स्ट्राटेजी दैट आई आल बी टॉकिंग अबाउट एस एन पी एस कोर्स बट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो ये जो एनपीएस स्कोर है ये बेसिकली हम एक सर्वे कंडक्ट करते हैं जैसे गूगल फॉर्म से भी हम कर सकते हैं वहाँ पर हम क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चन डालते हैं हम पूछते हैं अपने कस्टमर से कितना लाइकली वो हमारे प्रोडक्ट को जो है रिकमेंड करेंगे दूसरों को हम चाहते हैं कि वो हमारे ब्रांड एडवोकेट्स बने ठीक है वर्ड ऑफ माउथ से अच्छी चीज़ कोई है ही नहीं यही जो सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं वो आगे जाके आपको और कस्टमर्स ला देंगे अगर एन स्कोर आपका अच्छा है तो दैट मीन्स आपका सर्विस या प्रोडक्ट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ठीक है तो हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ऑन अ स्केल ऑफ़ जीरो टू टेन अगर हमें नाइन टू टेन रेटिंग मिल रही है तो वो प्रोमोटर्स हैं हमारे सेवन टू एट रेटिंग मिल रहे हैं जो ठीक हैं खुश हैं पर मतलब दे आर लाइक फाइन दे आर सेटिस्फाइड तो पैसेव होंगे डी ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो कुछ खास खुश नहीं है तो ये तीन कैटेगरी होगी जहां हम एन पी एस स्कोर कैलकुलेट करेंगे ये फॉर्मूला है एन पी एस का ठीक है नंबर ऑफ प्रोमोटर्स माइनस नंबर ऑफ डी ट्रैक्टर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज इन टू हंड्रेड तो ये कैलकुलेट करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देखोगे कि हमारा एन पी एस स्कोर जो है वो फोर्टी आ रहा है तो हम चाहेंगे हमारा एन पी एस स्कोर अच्छे से अच्छा आए दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू गेन अ लॉर्ड ऑफ कस्टमर्स तो क्विकली अभी हम एक समरी कर लेते हैं सबसे पहले हमने सीखा कस्टमर हेल्थ स्कोर कैसे निकालते हैं आपको क्या चाहिए होगा आपको ये सब इंफॉर्मेशन डालनी है गूगल शीट्स में ठीक है सेकेंड चीज आपको सर्वे क्वेश्चंस बनाने हैं सेट ऑफ क्वेश्चंस पहले बना लो क्या आपके बिज़नेस के हिसाब से वो क्वेश्चन होने चाहिए उन क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम करो और सर्वे फॉर्म में डालो और फिर वो रन करो ठीक है आप कैंपेन्स रन कर सकते हो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको फीडबैक मिलेगा उतना बेटर होगा आप अपनी जो लूप होल्स हैं आपके बिज़नेस में वो फाइंड कर सकें और उस पर आप काम करेंगे इम्प्रूव करेंगे उसको ठीक है ये बहुत ज़रूरी है टूल्स सब अवेलेबल है ऑनलाइन कुछ भी आप लिखो गूगल पे आपको सब मिल जाएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए कि करना क्या क्या है हमें अपने बिजनेस के अंदर आई होप मैं आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे पा रही हूँ दैट इज़ माई मोटिव आई नो माई सेट ऑफ ऑडियंस इज वेरी स्मॉल बट आई एम वेरी पैशनेट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एंड दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू डिलीवर सो यही मेरा मोटिव है आई नो दैट आई एम नॉट दैट रेगुलर ऑन दिस चैनल बट Whenever I get time, I try to put all the important information, whatever I'm doing in my personal business, in my personal work life. I try to give all that information here. Only kind of support that I want from you people is to give me the honest feedback and share it with people who need this, with your friends and family. And that's all for this video. If you have any doubts, please leave in the comment section below, and I shall get back. Yeah.